वो ट्रेन में जो अगला इंजन है ना वो तीसरे नंबर जनरल बोगी में था वो। हाँ, जनरल बोगी में तीसरे बोगी में था वो, आगे से इंजन से। आपको क्या लगता है मोबाइल चोरी हो गया और चोर आपको बोल रहा था? अब जो भी हो इस पता नहीं चला सर, या कोई अफसर था कौन था? अगर पुलिस वाले रहता बीच में हमने जाने तो वो सारा एड्रेस देता है, सारा चीज बताता वहाँ पे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताया। मोबाइल नहीं लग रहा उसमें, मोबाइल नहीं लग रहा। लास्ट कॉल कब लगा था? कब लास्ट कॉल? बात हुआ ही नहीं, बस एक ही बार को एक दिन में बात हुआ था, बस एक सैटरडे को हुआ, एक बार बात, बस बस इतना बोला कि आपका आदमी खत्म हो गया, आप आके बॉडी ले जाओ। जब तक हम पूछना चाहे कि कहाँ पे एड्रेस कहाँ पे है वो नहीं बताया। तो आप जब फोन किए थे कोई पकड़ा था फोन? हाँ, फोन पकड़ा था, फोन रिसीव करके क्या बस इतना बोला आपका आदमी खत्म हो चुका है, वो आप अपना बॉडी ले जाओ। जब तक हमने चाहा कि उससे एड्रेस पूछूं मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेकिन उसने बंद कर दिया, मोबाइल काट दिया, उसके बाद ऑफ कर दिया। अच्छा, अभी तक कितनी जगह पे आप जा चुके हैं? जैसे अभी हम बालेश्वर गए, मैं परसों आया वहाँ पे, शाम को पहुँचा पूरा बालेश्वर, जहाँ पे जो बॉडी रखी थी, पूरा जो हादसा हुआ वहाँ घूमे, पूरा वो मेडिकल कॉलेज पूरा घूमे, पूरा ट्रीटमेंट वो पेशेंट था उसमें चेक किया, मैं फोटो पूरा चेक किया। उसके बाद कहा गया कि भुवनेश्वर जाओ, वहाँ 250 किलोमीटर मैं फिर वहाँ से आया हूँ ट्रेन पकड़ के। पूरा कितना परेशानी हो रही है, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, यहाँ आया पूरा डिस्प्ले पे फोटो देखा मैं, बॉडी अंदर चेक करके मैं अभी आया, इधर पूरा बुक में मैं देखा, कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा, कहीं भी अभी तक मतलब 0% भी पता नहीं चल रहा कि है या नहीं है। अच्छा, भुवनेश्वर में और भी हॉस्पिटल्स हैं? हॉस्पिटल में अभी तक कहीं गया नहीं, बस यहीं पे हूँ अभी। अच्छा, जो डाटाबेस कुछ चेक किया गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकारी मतलब वेबसाइट्स हैं वहाँ पे? वेबसाइट से मैं अंदर गया, डिस्प्ले पे चेक करा था, तो यहाँ पे जो 4-5 हॉस्पिटल में बॉडी रखी है उसमें वो डिस्प्ले पे चेक करके बता रहा था, इसमें पहचानो फोटो है इसका पिक्चर, लेकिन किसी में नजर नहीं आया। अब कहाँ भाई, कहाँ है नहीं है, या जख्मी है कहीं कोई हॉस्पिटल में, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अब कहाँ कहाँ ढूंढे कुछ पता नहीं चल रहा। उसके साथ में कोई आपका गांव का लड़का? नहीं, कोई भी नहीं, वो अकेला ही अकेला ही। खराब हो गया परसों से घूमते घूमते, परसों से घूमते घूमते दिमाग खराब है, कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। हमारा बेटा है, उसके पास एक बेटा है, बीबी। जुमा के दिन चला, 3:30 बजे में चला, कलकत्ता से ट्रेन पकड़ा है। जुमरात को चला था घर से, सुबह कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता में खाना पीना खा के नमाज पढ़ा, 3:30 बजे में गाड़ी पकड़ा। ए साहब रे, ए साहब, ये लड़का बैठाया था उसको ट्रेन में, अभी दिखा रहे हैं। आने के बाद कहीं मिल ही नहीं रहा, लाश कहीं नहीं मिल रहा। आज 3 रोज से परेशान है, बड़ा 14 आदमी, लेकिन हम बिहार से आए, 4 आदमी आए, 4 आदमी परेशान है, कहीं कोई सुराग नहीं है। कैसे पता चला? फोन पे फोन किया, गांव में हल्ला हो गया, बोला ऐसा ऐसा बात है, हम फोन लगाया, दामाद को स्विच ऑफ कर रहा, ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पहुँच गया बालेश्वर। बालेश्वर से हम वो लोग हम लोग को पैसे देकर गाड़ी में गाड़ी से उठा दिया, बोलते चला जाओ वहाँ मिल जाएगा। कैसे पहचान? उसका पास पेंट जो है वो देखा, उसका पापा पेंट जो गंजी, उसका साथ जो आदमी एक था वो बोल दिया जैसा ऐसा पहना हुआ है।